हेलो, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप लोग। और हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक खींचा लेकिन टॉपिक भी बहुत बड़ा है। कौन है? आजाद, हेलो बेटा आजाद। हेलो विवेक, हाउ आर यू? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्ट्रिंग टॉपिक भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना पड़ा। बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे सिलेबस में, पूरे 30 क्वेश्चंस थे आईसीएसई 10th के अंदर। तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा लेंथी खींचना पड़ा, ठीक है। चलो, तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग जितने भी फंक्शंस थे वो फिनिश करने वाले हैं। मतलब पिछली क्लासेस आपको देखनी है जो भी फंक्शंस थे, और आज की इस क्लास को मिला के हमारा स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में आने वाले थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रिंग के अंदर आज हम लोग कौन कौन से फंक्शंस कवर करने वाले, पहले आपको उसका एक ग्लिम्स दे देना, ठीक है। क्या है ये, देखो। ओके, तो आज कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास? स्ट्रिंग, ट्रिम। एक आपके पास ट्रिम फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये सबको मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर अगर आप भूल गए हो या कंफ्यूज जाते हो। जब मैं किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखता हूं, अगर मैं किसी फंक्शन को ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन का प्रोटोटाइप बोला जाता है, ठीक है। आपने फर्स्ट टर्म के अंदर पढ़ा है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखा जाता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको फंक्शन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। तो ट्रिम फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। और इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ट्रिम फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स ये नल आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला फंक्शन हो गया ट्रिम फंक्शन। देन पास आईएनटी, पास लॉन्ग, पास डबल, ये तीन फंक्शन है जो एक ही जैसे फंक्शन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, बाकी मैं बता दूंगा। तो पास आईएनटी फंक्शन हो गया, पास लॉन्ग फंक्शन हो गया, एंड आपके पास पास डबल फंक्शन हो गया। ये जो पार्स फंक्शन है ये बेसिकली बफर रीडर एक क्लास होती है, ठीक है। जैसे अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग शायद यूज करते हो, अभी आप लोग स्कैनर यूज करते हो इनपुट लेने के लिए। पहले हम लोग बफर रीडर यूज कर रहे थे, अभी 2-3 साल पहले, तब स्कैनर ज्यादा यूज नहीं करते थे। बफर रीडर के अंदर इनपुट लेने के लिए हम लोग पार्स वाले फंक्शन का यूज करते थे, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पार्स आईएनटी हो गया, पार्स डबल हो गया, पार्स फ्लोट हो गया, एंड बहुत सारे फंक्शन जो पार्स को लेके हैं। तो मैंने यहाँ से उनके तीन फंक्शन को लिया है, ठीक है। उनके सबके रिटर्न टाइप्स भी है। पास आईएनटी का रिटर्न टाइप आईएनटी है, पास लॉन्ग का लॉन्ग है, पास डबल का रिटर्न टाइप डबल है, और तीनों स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। देन आपका कॉनकैट फंक्शन है, दो स्ट्रिंग्स का कॉनकैटनेशन करता है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका कॉनकैटनेशन करता है, दो स्ट्रिंग्स का कॉनकैट फंक्शन हो जाएगा। देन रिप्लेस फंक्शन है, नाम से ही क्लियर है, कुछ रिप्लेस करता होगा, रिटर्न टाइप दोनों का स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग फंक्शन आपका हो गया, ठीक है। सब स्ट्रिंग नाम से ही क्लियर है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कुछ करता होगा, अभी मैं आपको डिटेल दूंगा। एंड देन सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके बहुत सारे होते हैं, ज्यादा होते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिख के ऑल टाइप्स लिखा है। दैट मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ आईएनटी, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ डबल, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ लॉन्ग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू ऑफ फंक्शन होंगे। और उनका क्या किया जाता है, फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कैसे रिटर्न करता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जितना भी बताया जाएगा आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ध्यान रखना है एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में है, बहुत से उनके पास चांसेस बढ़ जाते हैं चीजों को पूछने के, ठीक है। चलो, एक एक फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट भाई, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक एक फंक्शन को इसमें लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं जो फंक्शन सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रिम। डिस्क्रिप्शन में आपको लिख लेना है, मैं बोल रहा हूं आपको लिख लेना है क्या है आपका ट्रिम फंक्शन जो है। तो ट्रिम वर्ड तो बहुत ही आप लोगों के साथ फेमिलियर होगा, हम लोग अक्सर बाल आजकल ट्रिम ही कराते हैं, ठीक है, बहुत बाल कट कोई नहीं कराता। तो ट्रिम फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये स्ट्रिंग को ट्रिम करता है। कहां से ट्रिम करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को ट्रिम करता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो लीडिंग स्पेस होते हैं, लीडिंग एंड ट्रेलिंग, जो लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस होते हैं उनको ये ट्रिम कर देगा, मतलब उनको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, सिर्फ लीडिंग और ट्रेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कोई सेंटेंस लिखा लाइक दिस इज अ कैट, पहले मैंने 3 स्पेस दिए, फिर मैंने लिखा दिस, इसके बाद मैंने 2 स्पेस दिए, फिर मैंने लिखा इज अ, और इसके बाद कैट, और कैट के बाद मैंने 2 स्पेस और दे दी, और ये स्ट्रिंग मैंने टर्मिनेट कर दी। तो नॉर्मली हमारी आदत नहीं होती कि हम
किसी भी टेक्स्ट के या स्ट्रिंग के या सेंटेंस के स्टार्ट और लास्ट में स्पेस दें, लेकिन अगर आपने गलती से या आपने किसी मीनिंगफुल उसमें आपने स्पेस दे ही दिए बट आप चाहते हो कि लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस हट जाए, तो सिर्फ लीडिंग और सिर्फ ट्रेलिंग स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज होता है, मैं लिखूंगा एस डॉट ट्रिम, दैट मीन्स एस की ट्रिमिंग हो जाएगी, राउंड ब्रैकेट में आपको कुछ भी पास नहीं करना है, ध्यान रखना राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको नल रखना है, मतलब कुछ पास नहीं करना है, तो ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस एलिमिनेट कर देगा अगर आप इसको वापस एस के अंदर स्टोर करोगे, दैट मीन्स आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो चेंज हो जाएगा। अब वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा दिस दो स्पेस इज एक स्पेस अ एक स्पेस एंड देन कै। तो ध्यान रखना है सिर्फ ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को ही एलिमिनेट करता है, अगर बीच में आपने एक से ज्यादा स्पेस दिए हैं ये उस पर कोई चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो ट्रिम फंक्शन है वो सिर्फ लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हैंडल करता है, उनको ट्रिम करता है, एलिमिनेट करता है, ठीक है। और अगर आप अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज करना चाहते हो तो उसी में आप ट्रांसफर कर दो, अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल आपका वैसे ही रहे तो आपको एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल लेके और उसके अंदर ही आपका एस डॉट ट्रिम को स्टोर करना है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। ओके, फिर अगला फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन आपका हो गया पास आईएनटी, पास लॉन्ग एंड पास डबल, तीन फंक्शन है जो एक ही कैटेगरी के अंदर है, मैं आपको तीनों फंक्शन बताता हूं, ठीक है। तो पहली चीज आपका पार्स आईएनटी, पार्स लॉन्ग, पार्स डबल, पार्स के साथ में जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अगर इसके अलावा भी है तो वो बफर रीडर क्लास के अंदर आते हैं। एक क्लास आपकी है जावा के अंदर जिसको हम बोलते हैं बी यू डबल एफ ई आर ई डी बफर्ड विदाउट एनी गैप रीडर, आर ई ए एन डी ई आर, ये आपकी एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ये फंक्शन आपके स्टोर है, ठीक है। और बफर रीडर क्लास जावा डॉट आईओ आपका एक आईओ नाम से पैकेज है, उसके अंदर आपका बफर रीडर क्लास स्टोर होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको साथ में है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो पार्स आईएनटी, पार्स लॉन्ग या पार्स डबल फंक्शन क्या करता है, ठीक है, अगर किसी को नॉलेज है बता सकता है तब तक। क्या करते हैं फंक्शन, देखो जो स्कैनर क्लास है और जो बफर रीडर क्लास है, तो बफर रीडर के अंदर जो पार्स आईएनटी फंक्शन है, हम लोग स्कैनर क्लास के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं इंटीजर का, हम लिखते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, मतलब नेक्स्ट आईएनटी और आपका पार्स आईएनटी के अंदर डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बफर रीडर के अंदर जो पार्स वाले फंक्शन है, चाहे वो पार्स आईएनटी हो, चाहे वो पार्स लॉन्ग हो, पार्स डबल हो, पार्स फ्लोट हो, पार्स बाइट हो, कोई भी फंक्शन हो, ये दो स्टेप में आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है, उसको दो स्टेप में न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। मतलब पहले आप स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर स्टोर करोगे स्ट्रिंग फॉर्म में, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, ये फंक्शन उसको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखिए मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए कोई स्ट्रिंग लिया, सपोज स्ट्रिंग एस, और इसके अंदर मैंने 123, लेकिन ये 123 आपका न्यूमेरिक वाला नहीं है कि आप 123 प्लस 1 करोगे 124 कर देगा, ये 123 प्लस 1 करने पे 1231 करेगा, ठीक है, मतलब ये न्यूमेरिकल वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, आपको ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है, पार्स आईएनटी। कैसे यूज होता है, बफर रीडर क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, इतना डिटेल में जाना नहीं, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आप बी आर डॉट, अगर आप क्या करना है आपको पार्स आईएनटी फंक्शन के लिए आपको ऐसे लिखना है इंटीजर, थोड़ा सा मैं और इधर से लिखता हूं, थोड़ी लंबी लाइन है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, और इसके अंदर हम एस को पास कर देंगे। अब ये ध्यान रखना है जो पार्स वाले फंक्शन है वो रैपर क्लासेस के थ्रू कॉल किए जाते हैं, तो जो पार्स आईएनटी है वो इंटीजर रैपर क्लास से कॉल किया जाएगा, जो पार्स लॉन्ग है वो लॉन्ग रैपर क्लास के साथ कॉल किया जाएगा, जो पार्स डबल है वो डबल रैपर क्लास के साथ कॉल किया जाएगा। मतलब इंटीजर, इंटीजर आपका रैपर क्लास है, किसका रैपर क्लास है, आईएनटी का रैपर क्लास है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपका हो गया इंटीजर डॉट पास आईएनटी, और जो एस के अंदर वैल्यू है आप उसके अंदर पास कर दोगे, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखना है आपको, इस वेरिएबल का डेटा टाइप रखना है आईएनटी, ठीक
ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, जो आप आर्ग्यूमेंट उसको स्ट्रिंग फॉर्म में दोगे ये आपको उसका करिस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फॉर्म कन्वर्ट कर देगा। तो इंट के लिए आपको पार्स int यूज करना है और उसके लिए आपको इंटीजर रैपर क्लास का यूज करना है, सारी चीजें कनेक्ट रखना, ठीक है, सिंटेक्स पे बहुत ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका d के अंदर कितना आ जाएगा 123, s में भी 123, d में भी 123, लेकिन d वाला जो 123 वो न्यूमेरिकल है, अगर आप उसमें 1 ऐड करोगे ना तो 124 हो जाएगा। तो क्या करता है पार्स int फंक्शन, आर्ग्यूमेंट जो पास करोगे स्ट्रिंग टाइप का उसको करिस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, चलिए, तो ये आपके तीनों फंक्शन ऐसे ही काम करेंगे, डबल वाला करिस्पॉन्डिंग डबल में कन्वर्ट करेगा, लॉन्ग वाला करिस्पॉन्डिंग लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आपका है, तो हमारे तीन फंक्शन हो गए, पास लॉन्ग, पास int, पास डबल। अब हम आ जाते हैं कॉनकैट के ऊपर। तो कॉनकैट तो अपना नाम खुद ही कह रहा है, वो बेसिकली कॉनकैटिनेशन करता है, मतलब दो स्ट्रिंग्स का जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स का एडिशन का मतलब है कॉनकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग्स जब हम जोड़ते हैं तो उसको कॉनकैट करना बोलते हैं, मतलब मैंने लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हेलो, ये आपका एक स्ट्रिंग हो गया एंड एक आपका सेकेंड स्ट्रिंग हो गया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू जावा। तो अगर मैंने ऐसे दो स्ट्रिंग्स ले लिए, तो अगर मुझे इनको कॉनकैट करना है तो आप प्लस साइन का भी यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो SOPLN system.out.println s plus s1, और इससे आपका हेलो जावा एक साथ प्रिंट हो जाएगा, स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये आपका कैसे आएगा, ऐसे प्रिंट होगा हेलो एंड उसी के साथ में आपका एडजेसेंट आपका जावा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप प्लस साइन का यूज कर सकते हो या फिर आप कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SOPLN एंड s डॉट कॉनकैट और इसके अंदर आपको s1 को पास कर देना है। ठीक है, तो इससे भी आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो जावा। तो आपका कॉनकैट फंक्शन बेसिकली दो स्ट्रिंग्स का कॉनकैटिनेशन करता है, बोर्ड्स में आपका दो तीन बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी इसकी सिंटेक्स क्या है यूज करने की, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, और इसकी वर्किंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका अगला फंक्शन क्या है, तो अगला फंक्शन हमारा है, नेक्स्ट फंक्शन आपका हो गया बेटा रिप्लेस। ओके, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन किसी स्ट्रिंग के अंदर जो ओल्ड कैरेक्टर होता है उसको नए कैरेक्टर के साथ क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ भी है, आप इसको ओल्ड कैरेक्टर दोगे कि मतलब कौन सा कैरेक्टर हमें रिप्लेस करना है और उस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर के साथ में रिप्लेस करना है, वो आप नया कैरेक्टर दे दोगे। आपको ओल्ड कैरेक्टर को नए कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करके ये चेंज वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। कैसे करेगा, देखिए सपोज मैंने यहां पर कोई स्ट्रिंग ले ली स्ट्रिंग और मैंने एस के अंदर किया एप्पल ए डबल बी एल ई, तो यहां पे मेरी एप्पल की स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने दो बार बी का यूज किया। इस फंक्शन के थ्रू मैं इसको कैसे सही करूंगा, एस डॉट रिप्लेस, आपको क्या करना है, एस डॉट रिप्लेस, और यहां पे पहले तो आपको ओल्ड कैरेक्टर देना है कि कौन सा कैरेक्टर आपको चेंज करना है, देन आपको कॉमा के साथ में वो न्यू कैरेक्टर देना है जो आपको इस ओल्ड कैरेक्टर के प्लेस पे रिप्लेस करना है, एंड जो भी आपका आंसर आएगा वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा एस। अब जब आप एस वन को प्रिंट करोगे तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, आपका मॉनिटर पे प्रिंट होगा ए डबल पी एल एप्पल, दैट मींस आपका जो नया कैरेक्टर है वो ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करके और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, ये आपका हो गया रिप्लेस आपका। ठीक है, तो इसका भी रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग है। नेक्स्ट आपका अगला फंक्शन हो गया, दो फंक्शन आपके हैं, सबस्ट्रिंग। ठीक है, सबस्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के अंदर से एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आपको एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका ऐसा सबस्ट्रिंग है जिसमें आप एक इंटीजर वैल्यू पास करोगे और एक आपका सबस्ट्रिंग है जिसके अंदर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। दोनों की वर्किंग अलग अलग है, क्या वर्किंग है वो आप देख लो। ठीक है, देखिए सबस्ट्रिंग कैसे देखना है इसको, मैंने यहां पे एक टेक्स्ट लिया
स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, और एक सेंटेंस वही फेमस वाला, दिस इज अ कैट। अब क्योंकि हमें इसके अंदर एक स्ट्रिंग को ढूंढना है तो हमें इसके इंडेक्सेस को भी लिख लेना चाहिए समझने के लिए। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है, 0 से आपका स्ट्रिंग के इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना है। कैसे, एस डॉट, अगर मैंने लिखा एस डॉट सबस्ट्रिंग और यहां पे मैंने लिखा कितना लिखा मैंने 2, 11, पहले मैं एक खाली एक यूज करता हूँ एस डॉट सबस्ट्रिंग और यहां पे मैंने पास किया 2, मतलब मैं उस सबस्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं जिसमें आपका एक एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, ठीक है। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग और मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट अगर पास किया तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्किंग ये है कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उस इंडेक्स से लेकर पूरा आपका लास्ट तक जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो जाएगी, वो आपकी स्ट्रिंग कॉपी होगी और आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ऑब्वियस आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका वेरिएबल है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, STRING, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक। तो अगर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो आपका एस वन के अंदर क्या आ जाएगा, एस वन के अंदर आ जाएगा इज अ कैट। तो अगर आपने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया है तो जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है वहां से लेकर पूरा लास्ट तक स्ट्रिंग आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका हो गया सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ। अब डबल आर्ग्यूमेंट के साथ देखते हैं क्या होगा, तो डबल आर्ग्यूमेंट के साथ क्या होगा आपका, अगर मैंने लिखा एस डॉट सबस्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान से देखना, एस डॉट पक्का आपका बोर्ड्स के अंदर पूछा जाएगा, ये मैं आपको आज बता दूं, ठीक है, एस डॉट सॉरी सबस्ट्रिंग जो फंक्शन है वो 100% आपको सेक्शन ए के अंदर पूछा जाएगा और सेक्शन बी के अंदर जो प्रोग्राम आएगा वो ऐसा प्रोग्राम जरूर आएगा जहां पर आपको सबस्ट्रिंग का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है वो एस डॉट सबस्ट्रिंग। और अगर मैं इसमें पास करता हूं 2, 11, देखो अगर मैं सिंगल पास किया तो वहां से लेकर लास्ट तक पूरा कॉपी करेगा, लेकिन अगर मैं डबल पास करता हूं तो इसका क्या मतलब है, सेकेंड से लेकर 11 तक ये पूरा कॉपी करेगा, लेकिन जो आपका बड़ा वाला नंबर है, जो आपका बाद वाला इंडेक्स है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये सेकेंड इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक आपको स्ट्रिंग कॉपी करके दे देगा, ये ध्यान रखना है, जो अपर इंडेक्स है, जो बाद वाला इंडेक्स है आपका, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फंक्शन का प्रॉपर्टी है। और जो भी आपका आंसर आएगा वो हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो आपका एस टू के अंदर क्या आ जाएगा, देखो 2, 11 मतलब 2 से लेकर 10 तक is a c, ये आपका आ जाएगा is a c और डबल कोट्स आपका वहां पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सबस्ट्रिंग फंक्शन काम करता है, अगर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो कैसे काम करता है और अगर आपने डबल आर्ग्यूमेंट पास किया है तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप बताना, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमारा है आपका लास्ट फंक्शन बचता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है इसको आप देख लो, ओके ठीक है। देखिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको क्या करके देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपका पार्स आईएनटी वाला फंक्शन है, पार्स डबल पार्स आईएनटी वाला फंक्शन, उसका रिवर्स काम करेगा। वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे आपने स्ट्रिंग दिया था, उसने आपको स्ट्रिंग का करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक दिया था, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक के थ्रू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको क्या करेगा, आपको न्यूमेरिक से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो भी आप उसको इनपुट दोगे। कैसे यूज होगा देखिए, तो इसकी वर्किंग लिख लेना, ये आपको क्या देगा, करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप यहां पे पास करोगे आपको उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न कर देगा। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पासिंग डेटा टाइप। अगर आपने इंटीजर दिया तो उसको स्ट्रिंग में करेगा, आपने डबल दिया तो उसको स्ट्रिंग में करेगा, आपने फ्लोट दिया उसको स्ट्रिंग में करेगा, जो भी आप दोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कैसे देखो, तो मैंने यहां पर लिखा आईएनटी ए इज इक्वल्स टू और मैंने फिर से नंबर लिया 123, मतलब ये 123 आपका वो वाला 123 है जिसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो 124 हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिक है।
इसको अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन का। वैल्यू ऑफ फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, लिखा हुआ है यहाँ पे। यूज कैसे करेंगे इसको? हम स्ट्रिंग के साथ में यूज करेंगे। मतलब आपको इसको यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, एंड ओ को कैपिटल रखना है ऑफ, एंड ए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए, इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप कोई भी यूज करो, मैंने यहां पे यूज किया इंटीजर वाला, मतलब मैंने ए की वैल्यू को इंटीजर रखा है। ये क्या करेगा? ए की वैल्यू को इंटीजर से कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग फॉर्म में। ये ए की वैल्यू को इंटीजर से स्ट्रिंग फॉर्म कन्वर्ट कर देगा और आपका जो भी आंसर आएगा वो एस वन में स्टोर हो जाएगा। तो एस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 123, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। तो आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, जो भी आप इसको डेटा टाइप दोगे, आप इसको इंटीजर दोगे, ये आपको करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक में उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको डबल दोगे स्ट्रिंग कन्वर्ट, फ्लोट दोगे स्ट्रिंग कन्वर्ट, आप इसको जो भी डेटा टाइप दोगे ये आपका उसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करके कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं एक और इसका यूज कर दूं, अगर मैं डबल के साथ भी आपको दिखा दूं, तो यहां पे मैं एक डबल वैल्यू ले लेता हूं। मैंने लिखा डबल b इज इक्वल टू 10.25, ये आपका डबल वैल्यू हो गई। कैसे यूज करना है? हमें यूज करना है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड आपका हो जाएगा b, और इसको हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में d, और d का डेटा टाइप क्या होगा? डबल, सॉरी स्ट्रिंग। d का आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑफ जो आपका वैल्यू फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो जो भी आप उसके अंदर वैल्यू दोगे वो उसको करिस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल सा है, मतलब जो आपकी पास आईएनटी, पास लॉन्ग, पास डबल फंक्शन है उसका जस्ट रिटर्न, उसको आप स्ट्रिंग दे रहे हो, वो आपका न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है, इसको आप न्यूमेरिक दे रहे हो और ये आपका स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल सा है। चलिए, तो ये आपके बेटा सारे फंक्शंस खत्म हो गए। तो जितने भी फंक्शंस हैं, मुझे लग रहा है मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं। कोई भी फंक्शन आपका आपके सिलेबस के अंदर छूटा नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है शायद 30 के आसपास फंक्शंस थे, मैंने बताए भी थे और 30 ही आ रहे हैं। अगर कोई फंक्शन छूटा रह गया है या अगर कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आता है और मैंने बाई चांस नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्ट्रिंग के अंदर, टर्म टू के अंदर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर हो या लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर आपने पढ़े हो, सारे मैंने आपको पढ़ा दिया, सबकी वर्किंग बताई, सबका रिटर्न टाइप क्या होता है, सबका डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, सारी चीजें, ठीक है। प्रोग्राम्स के थ्रू उनको यूज कैसे करना है मैंने आपको ये भी बताया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है बस जम के, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों को बस दो प्रोग्राम आपको और मैं कराऊंगा, जो फंक्शंस मैंने याद लिए हैं कुछ उनका यूज कैसे करना है हम ऑलरेडी देख रहे हैं हर क्लास के अंदर, तो यहाँ पर भी हम दो प्रोग्राम्स कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम है, मे बी आ जाए, ठीक। इसी तरह से मैंने कुछ प्रोग्राम्स को चूज किया है हमेशा हर क्लास में। देखो, क्वेश्चन है आपका, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन आपका है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड रिप्लेस ईच वॉवल बाय इट्स नेक्स्ट वॉवल एंड प्रिंट द न्यू स्ट्रिंग। यानी आपका एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है और उसके अंदर जो वॉवल्स है उनको उनके अगले वॉवल के साथ आपको रिप्लेस करना है। मतलब जहां पर ए आ रहा है, ए का अगला वॉवल ई होता है, तो ए के प्लेस पर ई आ जाना चाहिए, ई के प्लेस पर आई आ जाना चाहिए, ठीक है। ए ई आई ओ यू। अब ये ध्यान रखना है, जहां पे यू आएगा तो यू को वापस आपको कहां पे भेजना है? ए पे भेजना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो आपका यू वाला है, एक हम वैसा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको टफ बना देते हैं, ठीक है। तो एप्पल की जगह मैंने लिख दिया अम्ब्रेला, तो ये आपका हो जाएगा यू एम बी आर ई एल एल ए। तो मतलब अगर आपका ये अम्ब्रेला हो जाता है तो अम्ब्रेला को अब हम कैसे लिखेंगे? ये आपका आई है, आई का अगला वॉवल आई हो गया, टी को टी लिखा, आई का ओ हो गया, एस का एस हो गया, ए स्मॉल ए है, तो अगला वॉवल क्या हो जाएगा? स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है। देन एन के प्लेस पे एन आ जाएगा। अब एप्पल को तो आप हटा दो, ठीक है, एप्पल हटा दो, अम्ब्रेला यू, तो यू का अगला वॉवल क्या होगा? साइक्लिक ऑर्डर में आप पीछे आ जाओ, तो वापस आपका जहां पे यू था वहां पे ए आ जाएगा, तो ए एम बी आर ई, ई के प्लेस पे आएगा ए ई आई,
यहाँ पे आई आ जाएगा डबल एल ए, ए के प्लेस पर ई आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है, ये आपका लॉजिक का पार्ट है, ठीक है। चलो देखो बहुत इजी है, तो ये आपका हो जाएगा क्लास, और क्लास का नाम हो गया टेक्स्ट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मैंने एक स्ट्रिंग का ले लिया इनपुट, ठीक है। स्ट्रिंग का एक इनपुट आ गया, हर प्रोग्राम के जैसे सबसे पहले आपको उसकी लेंथ वगैरह निकालनी होगी, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, क्योंकि हमें वॉवल्स को रिप्लेस करना है, ए को ई से, ई को आई से, आई को ओ से, एंड सो ऑन। मैं यहां पर एक स्ट्रिंग यहां पे क्रिएट करूंगा, इसको ध्यान से देखना बेटा, ए ई आई ओ यू, ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद यू, और यू के बाद वापस क्या आना है, ए आना है। तो यहां पे मैं यू के बाद ए लिख दूंगा वापस, ठीक। कैसे यूज होगा आप समझ भी गए होगे, वरना अभी मैं समझाऊंगा। देन कैपिटल्स में आ जाओ, ए ई आई, सॉरी कैपिटल लेटर्स में ए ई आई ओ यू, एंड यू के बाद आपको फिर से कैपिटल लेटर्स में ए लिखना है। तो क्यों हम यू के बाद ए लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जहां पे यू मिलेगा हमें उसके बाद अगला वॉवल ए डालना है, ठीक है। तो यहां से आपको वो हेल्प मिल जाएगी कि जैसे ही यू मिलेगा उसका अगला वॉवल अपने आप ए आ जाएगा, स्मॉल यू के साथ स्मॉल ए, कैपिटल यू के साथ कैपिटल ए, ठीक है। हेलो दुर्गेश बेटा, चलिए अब क्या करना है, बस अपना जो बेसिक्स है लेंथ निकालना और एक एक कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रोग्राम थोड़ा नहीं आ पाएगा, मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जा रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज स्मॉलर देन एल एंड आई प्लस प्लस। अब एल के अंदर क्या होगा, यहां पे हमें एल के अंदर लेंथ स्टोर करनी है, तो ये आपका हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। ये आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो एल के अंदर स्टोर है, बाकी जितने भी सपोर्टिंग वेरिएबल्स हैं वो हम यहां पे रखेंगे, और इसके बाद लॉजिक आपका नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को यहां पे कॉपी करेंगे, कैस एच इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। तो ये तो वही लाइन है जो हम हर प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर हम देखें तो सी एच में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, फिर टी जाएगा, फिर स्पेस जाएगा, फिर आई जाएगा, एक एक कैरेक्टर आपका सी एच के अंदर आता रहेगा। हमें चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर वॉवल है, कैसे चेक करोगे, आपको चेक करना है इंडेक्स ऑफ फंक्शन से। इफ वी डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन आपकी अगर कंडीशन ट्रू देती है, दैट मींस जो सी एच के अंदर आपने कैरेक्टर निकाला है वो वॉवल है। क्यों वॉवल है, क्योंकि वी के अंदर उसका इंडेक्स मिल गया है। हमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है जरा यहां से समझो। सबसे पहले आपका जब आई निकला आपने चेक किया जाके, क्या इसके अंदर आपको आई मिल रहा है, कैपिटल आई मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है आपको कैपिटल आई। तो हमें क्या करना है, यहां से कैपिटल आई का इंडेक्स निकालना है और उस इंडेक्स का अगला कैरेक्टर निकाल लेना है, तो उससे क्या मिलेगा हमें, आई के प्लेस पे आपको ओ मिल जाएगा, ठीक। मतलब आई का इंडेक्स कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको पता करना है, क्या पता करना है आपको, कि वी के अंदर कैपिटल आई का इंडेक्स कितना है, वी के अंदर कैपिटल आई का इंडेक्स है 8। इसके बाद हम वी के अंदर से 9th इंडेक्स का कैरेक्टर कॉपी कर लेंगे जो कि उसका अगला वॉवल हो जाएगा, ठीक। कैसे करना है देखिए, हमें लिखना है int d इज इक्वल्स टू वी डॉट इंडेक्स ऑफ एंड सी एच, तो जो सी एच वॉवल था उसका इंडेक्स आ जाएगा d में। और आपको यहां पे क्या करना है, आपको बस इतना करना है, आपको करना है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। आपको यहां पे लिखना है सी एच इज इक्वल्स टू एस डॉट, सॉरी एस नहीं, वी डॉट, ठीक है, सी एच इक्वल्स टू वी डॉट कैरेट एंड डी प्लस वन। इससे क्या होगा, अगर सी एच के अंदर वॉवल है, किस इंडेक्स पर वी के अंदर आए वो डी में आ जाएगा, और D प्लस वन मतलब अगला कैरेक्टर निकल के सी एच के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सी एच आपका वॉवल के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, जो वॉवल सी एच के अंदर था वो उसके अगले वॉवल से रिप्लेस हो जाएगा। और ये आपको यहां पे क्लोज कर देना है, और आपको यहां पे क्या लिखना है, एसओपी एंड सी एच, और ये आपका प्रोग्राम खत्म। अब ये कैसे चल रहा है, देखो एक एक कैरेक्टर सी एच में आएगा। अगर इट इज एन एम्ब्रेला की बात करें तो सबसे पहले सी एच के अंदर आई आएगा, आई आपका वॉवल है
तुरंत क्या होगा, आई का आपका इंडेक्स डी में आएगा, जो अगला वॉवल है आपका डी के बाद अगला वॉवल ओ है आपका, वो आपका सी एच के अंदर अपडेट हो जाएगा और ओ आपका प्रिंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम आपको सी एच में क्या मिलेगा, टी मिलेगा, तो टी आपका जो है वो इस कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, क्योंकि टी तो वॉवल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली बिना किसी चेंजेस के आपका इसी के आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, टी प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह से आपकी ये प्रिंटिंग होती चली जाएगी। मतलब क्या मतलब निकला, जब जब आपका वॉवल होगा इंडेक्स निकलेगा डी के अंदर, वी के अंदर का वॉवल डी में आपका आ जाएगा इंडेक्स, और डी प्लस वन इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो सी एच के अंदर अपडेट हो जाएगा। अगर वो वॉवल नहीं है तो आपका नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। तो इससे आपका क्या हुआ, जो जो वॉवल्स थे वो अपने अगले वॉवल्स के साथ में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या रहा है आप यहां से देख लेना। ठीक, तो ये आपका हो गया वी, ओके, आई एन टी एल हो गया, आई हो गया, तो हमने सिर्फ दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, और ये आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, डी को मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया लोकली। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम एंड लास्ट, क्या प्रोग्राम है, एक मिनट बेटा, बस प्रोग्राम आपका है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग। ओके, आई एम फीडिंग एन एप्पल टू अ रैबिट, तो आपको यहां पे क्या देखना है, जो डबल अल्फाबेट्स है, जैसे फीडी के अंदर डबल ई आ गया, एप्पल के अंदर डबल पी आ गया, और रैबिट के अंदर डबल बी आ गया, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कितने सिक्वेंसेज आए हैं वो आपको काउंट करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, और मुझे अगर जहां तक याद आ रहा है तो ये प्रोग्राम आपका बोर्ड्स के अंदर आ चुका है, और अगर नहीं आया है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आने लायक प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम विश करें कि ऐसा प्रोग्राम आ जाए, यही आ जाए तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो, वैसे मेरे जो मतलब प्रेडिक्शन है कई बार सही भी हुए, तो आपको ध्यान रख लेना है, मे बी आ ही जाए। ठीक है, ओके, तो ठीक है, इनिशियल्स सबसे पहले हमें क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखा टेक्स्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये आपका स्ट्रिंग के अंदर आ गया, एस के अंदर आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, आई एम फीडिंग एन एप्पल टू अ रैबिट, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है वो एस के अंदर स्टोर हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डबल सीक्वेंस कैरेक्टर्स को यहाँ पे लेके काम करना है, तो हम इसको किसी एक केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया है कि हमें अपर केस और लोअर केस के साथ अलग अलग करना है, तो हम इस सबको एक केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एस इज इक्वल्स टू एस डॉट टू एंड अपर केस। इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज है, और बहुत मतलब खास चीज है, इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान भी रखनी है। क्या रखनी है, ध्यान से देखना अभी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने जरा सा वो चूके आप, तो हम लोग एज अ टीचर, हमें पता है कि आप ये गलती करोगे, तो हमारी नजर सीधे वहीं जाएगी, और अगर आपने वो गलती की तो उसके ज्यादा नंबर कटेंगे, आपका प्रोग्राम गलत हो जाता है। ठीक है, देखना ध्यान से, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इससे क्या हुआ, पूरा स्ट्रिंग आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया, आई एम फीडिंग एन एप्पल टू अ रैबिट, आपका पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब क्या करना है, एक एक कैरेक्टर निकालना है। देखो करेंगे कैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हम यहां से अगर समझते हैं, ठीक है, मैंने पहले एफ निकाला, एफ में किसके अंदर निकालूंगा, मैं दो कैरेक्टर लूंगा, एक सी एच लूंगा और एक सी एच वन लूंगा। मैं सबसे पहले सी एच के अंदर सपोज मैंने एफ निकाल लिया, ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो सबसे पहले आपका सी एच में कौन आएगा, आई, उस वक्त सी एच में वन में कौन आ जाएगा, स्पेस। क्या आई और स्पेस सेम है, नहीं। इसके बाद सी एच में आ जाएगा स्पेस, तो सी एच वन में क्या आ जाएगा, ए। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। आगे बढ़ो, सी एच में आ जाएगा ए, तो सी एच वन में कितना आ जाएगा, एम। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, एम। सी एच में आएगा एम, वहां पे आएगा स्पेस, सेम नहीं है, स्पेस। सी एच में आएगा स्पेस और वहां पे आएगा एफ, सेम नहीं है, एफ। सी एच में आएगा एफ और वहां पे आएगा ई, सेम नहीं है, ई। सी एच में आएगा ई और सी एच वन में उसका अगला कैरेक्टर आएगा ई, एंड दिस इज द सीक्वेंस। ये पहला वो सीक्वेंस है जो हमारी कंडीशन को ट्रू करेगा। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, सी एच के अंदर आपको क्या निकालना है, सी एच के अंदर आपको निकालना है कैरेट आई, सी एच वन के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैरेट आई प्लस वन। लेकिन कुछ है जो ध्यान रखना है, और बहुत ध्यान रखना है, क्या रखना है देखो, तो इतना तो हम कर लेंगे, आई एन टी आई हो गया, एल हो गया, एल के अंदर लेंथ आ जाएगी एस डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक, ये आपका लेंथ आ गया, राइट। चलो अब अगली स्क्रीन से हम लोग करते हैं इसको,
देखिए, तो एक लूप चलाया, i इज इक्वल टू जीरो, i स्मॉलर देन l एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अगर आप लोग गलती पकड़ चुके हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं बताऊंगा, बहुत बेहतरीन चीज है, प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब कब ये ध्यान रखना है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सो कैर कैर सी एच इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। तो अगर आपका सी एच के अंदर कैरेट आई आएगा तो सी एच वन के अंदर क्या आ जाएगा भाई, कैर सी एच वन इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट एंड आई प्लस वन, ठीक है। बताते जाओ थोड़ा सा, कोई डाउट तो नहीं है। स्वागता प्रधान, बेटा क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आया कि कोई और चीज, मुझे जरा बताना कमेंट करके, तो मैं आपको देखता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है आपका प्रॉब्लम, ठीक है, बताना मुझे जरा। तो आपका क्या हुआ, एक कैरेक्टर का सी एच में आएगा तो उसका अगला कैरेक्टर सी एच वन में आ जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या दोनों सेम है, ये तो सिंपल सा है भाई। इफ सी एच इज इक्वल्स टू सी एच वन, और अगर ये दोनों सेम है तो आपको एक काउंट वेरिएबल लेना है और उसका इंक्रीमेंट कर देना है, आपको एक काउंट वेरिएबल लेना है और उसका इंक्रीमेंट करना है। दैट मीन्स हमें यहां पर एक काउंट नाम से वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइज जीरो करना है। तो प्रोग्राम तो आपका हो गया, ठीक है, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। अब वो खास चीज क्या है, उससे पहले देखो क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, सी एच के अंदर आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सेंटेंस हमारा क्या है, आई एम फीडिंग एप्पल, ठीक है, तो सी एच के अंदर आपका आई आ जाएगा, तो उस वक्त सी एच वन के अंदर क्या आएगा, स्पेस आएगा, चेक होगा क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगली बार सी एच में क्या आएगा, स्पेस आएगा, यहां से देखते चलना, सी एच में क्या आएगा, स्पेस आएगा, तब सी एच वन में क्या आएगा, सी एच वन में आएगा ए, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, ठीक है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक। इस तरह से आपका एक एक कैरेक्टर सी एच और सी एच वन में वन बाई वन आता रहेगा, अगर ये सी एच में आएगा तो अगला सी एच वन में, ये सी एच में आएगा तो अगला सी एच वन में, ठीक है, ये आपका आता जाएगा, ठीक है बेटा। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक कैरेक्टर आपका सी एच में आ रहा है, ठीक है, प्रोग्राम क्या कह रहा है, एक कैरेक्टर, अगर मैं सेंटेंस थोड़ा अच्छा इजी कर दूं आपके लिए, ठीक है, सेंटेंस ओरिजिनल यही रहेगा, सेंटेंस कुछ ऐसा है जैसे दिस इज अ कैट जैसा सेंटेंस हो, तो एक कैरेक्टर टी है, अगला कैरेक्टर एच है, क्या टी और एच सेम है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे, एक कैरेक्टर एच है, अगला कैरेक्टर आई है, क्या एच और आई सेम है, नहीं है। आपको बस क्या करना है कि कब दो अगल बगल के कैरेक्टर सेम है वो काउंट आपको करना है बेटा, बस इतना करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाया है, देखो यहां पे हम अगर आई इंडेक्स की वैल्यू को सी एच में लेते हैं तो उसका अगला कैरेक्टर सी एच वन में कैसे आएगा, आई प्लस वन इंडेक्स की वैल्यू को हम सी एच वन में ले लेंगे, चेक कर देंगे क्या दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो काउंटर लगा दिया, काउंट प्लस प्लस एक वेरिएबल काउंट है उसको इनिशियल जीरो कर दिया, और लूप से बाहर जाके एसओपी एलएन, और यहां पे हम लोग काउंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये आपका मेन बंद हो गया, ये आपका क्लास बंद हो गया, बाकी जितने वेरिएबल्स लिए वो हमने सारे डिक्लेयर कर दिए, ये तो प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक है, ये प्रोग्राम आपका हो गया। अब वो इंपॉर्टेंट चीज जहां पर एक प्रोग्राम गलत हो सकता है वो क्या है, देखो समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ एप्पल, मान लो यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो सी एच और सी एच वन की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, सबसे पहले सी एच में क्या आएगा ए, सी एच वन में क्या आएगा पी, क्या दोनों सेम है, नहीं है, सी एच में क्या आएगा पी, सी एच वन में क्या आएगा पी, क्या दोनों सेम है, हैं, काउंट में इंक्रीमेंट एक हो गया, जीरो था, जीरो से वन हो गया। अगला सी एच में आएगा पी, क्योंकि पहले ये आया था फिर ये आया था अब ये आएगा, तो सी एच वन में क्या आएगा एल, क्या दोनों सेम है, नहीं है, सी एच में आएगा L, CH1 में क्या आएगा E, क्या दोनों सेम है, नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे आई, क्या आई, अगली बार CH में आ जाएगा E, इस वक्त जब आप CH1 के अंदर जाओगे तो आप स्ट्रिंग से बाहर हो जाओगे, मतलब आपका कोड, ध्यान से सुनना गलती क्या है और उसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, अगर आपका कोड प्रोग्राम के अंदर, अगर आपका कोड कभी भी आई प्लस वन इंडेक्स को एक्सेस करता है, अगर आपका कोड, थैंक यू बेटा, ओके वेलकम बेटा, अगर आपका कोड कभी भी प्रोग्राम के अंदर i प्लस वन इंडेक्स को एक्सेस करता है तो यहां पर आपको l माइनस वन लिखना है। ध्यान रखना, जब आप लेस देन l लिखते हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको एक्सेस करते हो, गलती नहीं होती है, लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आपका i प्लस वन लिख के आ गया, कहीं भी आ गया, तो तुरंत आपको क्या करना है,
आई लेस देन एल को लेस देन एल माइनस वन कर देना है, ये है ठीक है, क्योंकि फिर आप एक इंडेक्स बाहर का यूज करने से बच जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, यहां पे हमें क्या करना है, जो लेस देन एल था इसको हमें लिखना है लेस देन एल माइनस वन एंड बस, सिंपल सा प्रोग्राम। एक कैरेक्टर सी एच में आएगा, आई प्लस वन से अगला सी एच वन में आ जाएगा, क्या दोनों सेम है, हैं तो काउंट में इंक्रीमेंट बनना कुछ नहीं, ठीक। प्रोग्राम आपके सामने, ये मेन और ये क्लास। तो ये प्रोग्राम आपका था आज की क्लास में, स्ट्रिंग की बस इतना ही है। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस थे 30 के आसपास फंक्शन आपके सिलेबस में, मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सारे फंक्शन रिवाइज करने हैं जो पिछली क्लासेस हैं स्ट्रिंग की। ये मेरे ख्याल से स्ट्रिंग शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास है, आपको सारे फंक्शंस देखने हैं, उनकी वर्किंग देखनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या लेते हैं, कितने लेते हैं, सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने। अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछो, मैं आपको उसका कोडिंग प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, या जैसे भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक। तो बस बेटा आज की क्लास में बस इतना था। अब आपको करना क्या है, जितना पढ़ाया गया उसकी जम के प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में सर्कुलेट करके और सब्सक्राइब कराओ ताकि उनका भी फायदा हो एंड यस मेरा भी फायदा हो। आज की क्लास में बस इतना ही है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।